Hello students, in this video we are going to discuss the topic visual impairment and braille system of class 8 science chapter 15, that is light. So the topic is visual impairment. Visual impairment means the impairment, the problem in our vision. Okay, like some people are unable to see. कुछ लोग जो होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, दे आर अनएबल टू सी, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल और ब्लाइंड पीपल. ओके, नाउ दिस ब्लाइंडनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ब्लाइंडनेस जो है वो दो तरीके की हो सकती है, क्योरेबल एंड इनक्योरेबल. एक जिसको आप क्योर कर सकते हो, सही कर सकते हो, और दूसरा यू कैन नॉट क्योर इट, उसको आप सही नहीं कर सकते हो, इट इज़ परमानेंट. Now, in case of curable blindness, vision is reduced or even lost if the cornea becomes cloudy from either a disease or injury or infection. Curable में क्या होता है, जो vision है वो कम हो जाता है, ठीक है, vision power become reduced या फिर ख़त्म हो जाता है. क्यों ख़त्म हो जाता है, ड्यू टू द क्लाउडीनेस इन आवर कॉर्निया. कॉर्निया जो हो जा ब्लरी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, वो क्लाउडी क्यों हो सकता है, डिजीज़ की वजह से हो सकता है, इंजरी किसी चोट की वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है. तो दिस लॉस ऑफ विजन कॉजिंग ब्लाइंडनेस बाई द कॉर्निया इज टर्म्ड एज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस. कॉर्निया में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से जो ब्लाइंडनेस आती है उसको हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं. सो हाउ कैन अ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पर्सन, ब्लाइंड पर्सन गेट हिज और हर साइट बैक. कैसे वो वापस से फिर से देख सकता है अगर उसके कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है. तो लॉस्ट साइट कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू द मेडिकल प्रोसीजर. ठीक है, हम फिर से कैसे देख सकते हैं अगर हमारे कॉर्निया में प्रॉब्लम है, तो मेडिकल प्रोसीजर है जैसे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन. किसी दूसरे इंसान का जो सही कॉर्निया है उसको खराब कॉर्निया से बदल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, इसको कॉर्नियल ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं. इन विच द कॉर्निया इज रिप्लेस्ड बाई अ गुड वन ऑब्टेन्ड थ्रू आई डोनेशन. ठीक है, ये कॉर्निया जो है हम किसी अदर पर्सन के आई से लेते हैं, वो अपनी कॉर्निया को डोनेट करता है, दान में दे देता है, ठीक है, फिर उस कॉर्निया को हम जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है उसकी आँखों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उससे जो है वो उसको उसकी साइट वापस आ सकती है. बट दिस इज़ वेरी टफ, ये थोड़ा टफ मेथड है कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना. इट नीड्स अ डोनेटर, इसमें एक डोनर, इसमें एक डोनर की ज़रूरत होगी. आई अपनी कॉर्निया देने वाला कोई होना चाहिए, जब वो प्रोवाइड करेगा देगा तब किसी को लग सकता है. सो इट इज़ लिटिल बिट टफ, बट नाउअडेज इट इज़ used. Now, second kind of blindness is permanent. इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान permanently blindness हो जाता है, means अब उसकी sight जो है वो वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि जो image है the retina पे जो image बनती है it cannot transmit to the brain. ठीक है, वो जो भी इमेज बन रही रेटिना पे बन तो रही है, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ब्रेन तक नहीं पहुँच सकती है, तो आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं. इमेज तो बन रही होती है रेटिना पे, बट आपके ब्रेन तक वो इमेज पहुंचती नहीं है, तो आपको वो दिख नहीं सकता है. नाउ दैट पर्सन कैन नॉट सी, ऐसा जिस भी पर्सन के साथ हो रहा है तो वो पर्सन देख नहीं सकता है. देर इज़ नो क्योर फॉर परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस का कोई क्योर नहीं है. तो क्योर नहीं होने की वजह से अब वो जो लोग परमानेंटली ब्लाइंड है, अगर उनको पढ़ना हो, इफ़ दे वांट टू स्टडी, तो हाउ डू दे, और तो वो कैसे करेंगे ना, उसके लिए एक मेथड है, एक सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेल सिस्टम. ठीक है, फॉर द ब्लाइंड पर्सन टू रीड, पढ़ने के लिए, जिसको इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने इन 1820 में.
लुईस ब्रेल ने 1820 में एक मेथड इन्वेंट किया था। लुईस ब्रेल जो है वो खुद भी जो है ब्लाइंड थे एट द एज ऑफ 3। वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लाइंड हो गए थे, देख नहीं सकते थे, बट वो पढ़ना चाहते थे। सो ही इन्वेंटेड अ मेथड नोन एज ब्रेल सिस्टम बाय विच नाउअडेज होल वर्ल्ड द ब्लाइंड पीपल कैन रीड, पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो अपने सेंस ऑफ टच, दे यूज सेंस ऑफ टच टू रीड द एनीथिंग। नाउ लेट्स सी ब्रेल सिस्टम में क्या होता है। तो स्टैंडर्ड ब्रेल इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ रीड बाय टच। इसमें हम कैसे पढ़ते हैं, टच करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन हियर, दिस इज डन बाय मेकिंग रेज्ड डॉट्स, ठीक है। इसमें डॉट्स बनाए जाते हैं जो कि पेपर पे उभरे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। रेज्ड डॉट्स बनाए जाते हैं एक थिक शीट ऑफ पेपर पे, और उस रेज डॉट को ब्लाइंड पीपल जो है वो टच करके समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर पैटर्न बनाया जाता है डॉट्स को रेज करके, और उस पैटर्न को हम सेल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सेल। एंड एक सेल में जो है वो 6 डॉट्स होते हैं, लाइक यू कैन सी हियर देयर इज अ सेल एंड इन विच 6 डॉट्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, नाउ अरे इन 6 डॉट्स का यूज़ करके कई सारे पैटर्न बनाए जा सकते हैं। मैक्सिमम 64 पैटर्न्स बन सकते हैं इन 6 डॉट से, और पैटर्न बनाकर जो है वो अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स को लिखा जाता है। एंड बाय टचिंग दोज डॉट्स द पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। लाइक फॉर एग्जांपल द लेटर ए इज़ रिटन विद ओनली 1 डॉट, जो पहला वाला डॉट है उसको रेज करके और बाकी सारे डॉट्स को फ्लैट कर दिया जाता है, और नंबर 1 वाला जो डॉट है उसको रेस्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि दिस इज़ द अल्फ़ाबेट ए। नाउ फॉर एग्जांपल इन वाई यू कैन सी द डॉट 1, 3, 4, 5, 6 हैज़ बीन यूज टू राइट वाई, ठीक है। इसमें जो नंबर 2 वाला डॉट है उसको फ्लैट कर दिया गया है, और बाकी 1, 3, 4, 5, 6 वाले डॉट को रेज करके एक पैटर्न बनाया गया है, और ये पैटर्न क्या डिनोट करता है, अल्फ़ाबेट वाई। सो इसी तरीके से डॉट्स के अलग अलग पैटर्न बनाकर हम जो है वो अल्फ़ाबेट नंबर साइंस वगैरह बनाते हैं, और उसको टच करके जो ब्लाइंड पीपल हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ रिटन। Now here in this diagram, in this pic, you can see the whole alphabet. Now here in A, the only one raised dot, in B, 2 vertical dots, 1 and 2, in C, 2 horizontal dots. So 26 patterns have been made to denote the 26 English alphabet. Okay, now here you can see the signs are there. Dot, an exclamation, okay, apostrophe, star. There are so many patterns are given, and they are denoting the different kind of signs. Now, likewise, this is an image showing the text string in Devanagari, representing the letters written in Hindi. Okay, so it is written Satyamev Jayate. Okay, so this is the pattern has been made to write in Hindi. Now, likewise, aise hi braille numbers bhi hote hain. Braille numbers are made using the first 10 letters of the alphabet A through I, and a special number sign denotes 3, 4, 5, 6. Now, you can see here the numbers have been written by the pattern of dots. Okay, so this is hashtag, this is the 0, 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, 7, 8 and 9. So
लाइकवाइज मेकिंग द पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ रेज डॉट्स ऑन अ थिक पेपर शीट ऑफ पेपर द हैंड द विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड. So this is the braille system in which a cell is there and that cell is made up of six dots. Okay, six dots are there and these dots are raised on a sheet and by touching these dots the visually challenged people can read. So this is all about this video. Thank you.